नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सपने में हम छिपकली को देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, सपने का अर्थ समझना और समझाना दोनों ही हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपनों को नहीं मानते हैं और कुछ मानते हैं सपनों को, इसलिए सपने का अर्थ समझना हर किसी के बात नहीं है। जो मानते हैं वो ही अर्थ समझ सकते हैं। हम जो डरावने सपने देखते हैं उनके हम अर्थ जानने की इच्छा रखते हैं कि आज मुझे डरावना सपना आया, लेकिन क्या आपको पता है जो अच्छे सपने हम देखते हैं उन्हें भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि डरावने सारे सपने बुरे नहीं होते हैं। कुछ डरावने सपने भी अच्छे होते हैं और कुछ अच्छे सपने भी डरावने होते हैं, इसलिए उनका फल जानना ज़रूरी होता है। अच्छे सपने का फल भी बुरा हो सकता है और बुरे सपनों का फल भी अच्छा हो सकता है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम छिपकली को सपने में देखते हैं तो वो कैसा होता है, सबसे पहले मैं आपको छिपकली के अलग अलग रूप में बताऊंगी, इसलिए वीडियो पूरा सुनिएगा। पहले हम देखते हैं कि सपने में छिपकली का डरकर भागते हुए देखते हो तो वो कैसा होगा, यानी कि छिपकली जिस प्रकार इंसान छिपकली से डरता है वैसे ही छिपकली भी इंसान से डरकर भाग जाती है और अपनी जान बचाती है। अगर सपने में आप देखते हैं कि कोई छिपकली ज़मीन पर आ जाती है और जब आप उसके पास जाते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, तो वो आपसे डरकर दूर चली जाती है, ये सपना आपका कैसा होगा? ये सपना आपका बहुत ही शुभ होगा। आने वाले दिनों में आपको जल्द ही बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है, जो कि आपको किसी भी रूप में प्राप्त हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। अगर आपकी सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी हो, कोई भी हो, लेकिन दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, इसलिए आपके लिए ये सपना बहुत ही लाभकारी सपना है। अब हम बात करते हैं छिपकली का एक स्थान पर खड़ी देखना कैसा होगा, जैसे दीवार पर, ट्यूबलाइट पर या कहीं और। एक जगह टिकी हुई रहती है छिपकली, एक ही जगह टिकटिकी से देखती रहती है, खड़ी रहती है, तो वो छिपकली कैसी होती है? कीट पतंगे आप मानते हो कि छिपकलियों को बहुत पसंद होते हैं, वो हर कीट को इस तरह से देख रही होती है जैसे वो आंखें एक मिनट भी हिला नहीं रही है और उसे खाती भी है। तो इस प्रकार की दुर्घटना से सुरक्षित होने का संकेत मिलता है अगर आप सपने में देखते हैं। कहीं से आपके पास कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली हो सकती है, इसलिए आपको गाड़ी चला रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जिस दिन आपने छिपकली का स्थान एक जगह खड़ी हुए देख लिया सपना, तो उस समय आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होने वाली हो सकती है इस प्रकार का सपना देखने के बाद में, इसलिए आपको उस समय थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि सपने में छिपकली को झपटते देखना कैसा होता है, जैसे वो मच्छर कीट पतंग इनको झपटती है, वैसा आप सपने में देखते हैं तो वो कैसा होगा? सपने में अगर छिपकली को आपने ज़मीन से कीट पतंगों को झपटते हुए देखा है, अपना आहार बनाते हुए देखा है, तो वो स्वप्न आपके लिए कैसा होगा? वो स्वप्न अशुभ माना जाता है, क्योंकि आपके घर में कोई बड़ी समस्या आ सकती है, आपके कोई आर्थिक स्थिति की परेशानी आ सकती है, कोई चोरी भी हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा उस समय सावधान होने की ज़रूरत है, सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, अपने और अपने परिवार दोनों का ही ध्यान रखने की ज़रूरत है उस समय। अगर आप सपने में छिपकली को पकड़ते हुए देखते हैं, वो सपना आपके लिए कैसा होगा? वो सपना आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सपना आपके अपने डर पर कंट्रोल करता है, आपको डर नहीं लगेगा, भविष्य में अपने डर के लिए नियंत्रण करता है, आप अपने दुश्मनों से डरेंगे नहीं, इस बात की ओर दिखाता है कि आपको आगे डटकर मुकाबला करना होगा। अगर आपके पास कोई भी परिस्थिति हो जाए, कुछ भी परेशानियां आ जाए, उनका आप डटकर सामना कर पाएंगे, ये इस प्रकार छिपकली का दिखना आपके लिए शुभ माना जाता है। अगर आप देखते हैं कि सपने में छिपकली से डरने का सपना देखते हैं तो छिपकली आपका पीछा कर रही है,
तो वो सपना आपके लिए कैसा होगा? अपने कमरे में छिपकली को दीवार पर देखते हैं और आपको उस कमरे में से कुछ सामान लाना है और आप डर के मारे उस कमरे में नहीं जाते हैं, तो ये सपना आपको डरपोक साबित करता है। ये सपना बताता है कि आप एक डरपोक इंसान है। आप एक छोटी से छोटी समस्या में बिना लड़े या बिना सुलझाए हार मान लेते हैं, उस समस्या का सामना नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उस छिपकली को देखकर डरकर भागना नहीं है। आप एक स्ट्रॉन्ग मैन या स्ट्रॉन्ग लेडी बनकर दिखाए कि मैं डरूंगी नहीं, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको इस प्रकार का सपना आता है, आपको किसी भी टाइप से किसी भी चीज़ से आगे डरकर भागना नहीं है। अगर आप सपने में देखते हैं छिपकली का मारना तो कैसा होता है? वो सपना भी आपका अशुभ माना जाता है। ये सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में मानसिक तनाव बढ़ने वाला है और आपका मन शांत होने वाला है। ये स्वप्न बताता है कि आपके मानसिक संतुलन खो जाने का संकेत भी देता है। इसलिए आपको इस टाइप का सपना आता है तो खुद थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें, अपने मानसिक तनाव ना बढ़ाएं, अपने ऊपर थोड़ा विचार करें कि आप ऐसा क्यों सपना देखे हैं। अगर देखे हैं तो उससे घबराना नहीं है, अपने आप पे कंट्रोल रखिएगा, मानसिक तनाव ना। अगर आप सपने में दो छिपकलियों को लड़ते हुए देखते हैं तो वो सपना आपका कैसा माना जाता है? वो सपना आपका शुभ नहीं माना जाता है। ये सपना आपके घर में लड़ाई होने का संकेत देता है कि जल्द ही आपकी अपने घर वालों के साथ लड़ाई होने वाली है और लड़ाई की वजह केवल आप होने वाले हैं, क्योंकि ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आपके अंदर गुरूर है, जिसके कारण आप अपने घर वालों की बात नहीं सुनते हो और आप सोचते हो कि मैं जो कहता हूँ वही होना चाहिए, वही सही है। इस बात का संकेत देता है। ये सपना देखने के बाद आपको थोड़े से सुधार करने की ज़रूरत रहता है खुद के अंदर। अगर आप यही रखेंगे तो आपके घर में आने वाले टाइम में आपके साथ लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि सपने में छिपकली का सिर पर गिरना देखते हैं, आपके सिर पर गिर जाती है छिपकली, जैसे घर के कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं और खोलते ही कमरे के गेट पर यानी किवाड़ पर चढ़ी हुई छिपकली आपके सिर पर गिर जाती है, या आप सपने में देखते हैं और आप गंभीर डर जाते हैं, बहुत तेज डर जाते हैं इस प्रकार की घटना को देख के, तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। इस प्रकार का सपना आना भी अशुभ माना जाता है। आपके कहीं से भी संकट आ सकता है, अचानक आपके पास किसी भी प्रकार का कष्ट आ सकता है, कोई भी परेशानी भी आ सकती है, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सपने में छिपकली का जोड़ा देखते हैं तो वो कैसा होता है? वो आपको चेतावनी से कम नहीं माना जाता है, इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है, आपको दोहरी हानि होने वाली हो सकती है, आपको कोई शारीरिक चोट पहुंचा सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी है। अगर आप सपने में छिपकली की आवाज़ सुनते हैं तो वो कैसा होता है? छिपकली आवाज़ कर रही होती है, इसका मतलब है आपके जीवन में लंबे समय से कोई समस्या चली रही थी, आज उस समस्या का अंत होने वाला है, आपको उस झगड़े से मुक्ति मिलने वाली है और आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। आपके लिए ये सपना बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो दोस्तों, पसंद आए तो चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।